हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीवुड मसाला। इस साल दीपावली में रिलीज हुई है सीक्रेट सुपरस्टार। आमिर खान की ये फिल्म आपको सिखाती है सपनों को पाना। जी हाँ, आमिर खान के बारे में माना जाता है कि वो रिस्क लेने से कभी पीछे नहीं हटते। ऐसा ही कुछ बताया जा रहा है सीक्रेट सुपरस्टार के बारे में कि ये फिल्म काफी पहले बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्टनिस्ट इस फिल्म के क्लाइमेक्स से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने फिल्म के काफी हिस्से को रीशूट कराया। ये फिल्म गुजरात के बड़ोदरा की रहने वाली इंसिका जायरा वसीम के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बस एक ही सपना है, गायिका बनना और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना। इंसिका सिंगर बनना चाहती है, लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ी मुश्किल थे उसके अब्बा फारूक, जिसका किरदार राज अर्जुन निभा रहे हैं। इंसिका और उसकी अम्मी नजमा मेहर विज इस सच्चाई को अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह है दोनों कभी इस बारे में फारूक के सामने जिक्र भी नहीं करते। नजमा बेटी के सपने को किसी भी सूरत में साकार करना चाहती है। फारूक बेहद गुस्सैल, हर छोटी बात पर हाथ छोड़ने वाले इंसान। इस बीच इंसिका की मुलाकात होती है स्ट्रगलिंग म्यूजिक डायरेक्टर शक्ति कुमार से, जिसका कैरेक्टर आमिर खान निभा रहे हैं। फारूक चाहते हैं कि उनके घर में सिर्फ उनकी मर्जी ही चले और उनके खिलाफ कोई ना जाए। इंसिका सिंगर बनने के सपने को साकार करने के लिए मुंबई जाना चाहती है। इसी दौरान इंसिका की मुलाकात स्ट्रगलिंग म्यूजिक डायरेक्टर शक्ति कुमार आमिर खान से होती है। कहानी में शक्ति कुमार की एंट्री के बाद इंसिका के सपनों को पंख लग जाते हैं, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। आमिर खान कैंप से कई सालों से जुड़े अद्वैत चंदन की इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि यह आपकी आंखें नम करने का दम रखती है और बीच बीच में आपको हंसने का भी मौका देती है। सो फ्रेंड्स, इस वीकेंड अगर मूवी देखने का प्लान हो तो डोंट मिस इट, सीक्रेट सुपरस्टार। अभी न्यूज चैनल देता है इसे 4 रेटिंग स्टार। सो वॉच इट और फ्यूचर अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।